नमस्कार, आप देख रहे नेशन 24 न्यूज। मैं प्रिया। आज पूरे झारखंड में सरहुल त्योहार की धूम है। आदिवासी समुदाय का यह अनोखा त्योहार प्रकृति की पूजा से जुड़ा है। इस पर्व के जरिए आदिवासी समाज नए साल का स्वागत करता है। सरहुल को नए साल की प्रकृति की भूमि वाले प्रदेश का ये त्योहार प्रकृति के प्रति प्रेम, आस्था, विश्वास, सम्मान और उपासना को दर्शाता है। हर साल चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीय को सरहुल मनाया जाता है। इस दिन आदिवासी समाज नए साल का स्वागत करते हैं, साथ ही धरती माता और सूर्य देव की आराधना करते हैं। फल, फूल और पत्तियों के उपभोग की इजाजत भी लेते हैं। यानी आज के दिन आदिवासी समुदाय प्राकृतिक से उनके इस्तेमाल की अनुमति मांगता है और सरहुल पूजा के साथ ही नए साल का कृषि जीवन चक्र भी शुरू हो जाता है। झारखंड में सरहुल पर्व की धूम है। ये पर्व 3 दिवसीय होता है, जहां पूजा के पहले दिन उपवास रखते हैं, सुबह खेती करते हैं और नदियों और तालाबों, जलाशयों में जाकर केकड़ा और मछली पकड़ते हैं। मान्यता है कि फसल बोने के समय केकड़े को गोबर पानी से धोया जाता है और उसी गोबर पानी से फसलों के बीज को भी भिगाकर खेतों में डाला जाता है। इससे केकड़े के 8-10 पैरों की तरह फसल भी ढेर सारी जड़े निकलती है। दूसरे दिन पूजा के बाद घड़े के पानी को देखकर इस साल का बारिश का पूर्वानुमान करते हैं। इसी दिन शोभा यात्रा निकलती है। सरहुल को आदिवासियों का प्रमुख त्यौहार माना जाता है। ये त्यौहार झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल में मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार प्राकृतिक और धरती माता को समर्पित है। इस त्यौहार प्रकृति को उभार जताने का भी एक जरिया है। सरहुल में पेड़ पौधे की पूजा की जाती है। हर साल चैत्र महीने के तीसरे दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। आदिवासियों का मानना है कि वह इस पर्व को मनाने के बाद ही नई फसल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पर्व के जरिए हम प्राकृतिक से इसकी अनुमति लेते हैं। ये त्यौहार आदिवासियों संस्कृति की खासियत को भी दर्शाता है। त्यौहार हमें ये सीख भी देता है कि प्राकृतिक हमें जो भी देती है उसके बदले हमें भी प्रकृति का आभार जताना चाहिए। इसके दोहन के बजाय उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक ही मनुष्य के जीवन का आधार है। झारखंड से प्रिया वर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार।